टीआरपी या आईपीएल भी चल रहा है, लेकिन नॉन प्राइम टाइम शो होने के बावजूद भी अच्छे टीआरपी, क्या कहना चाहोगे इसको लेके? टचवुड गॉड विलिंग बहुत अच्छा लगता है जब एक नॉन प्राइम टाइम इतना अच्छा यू नो परफॉर्म कर रहा है हमारा शो, एंड आई गेस आईपीएल का क्लाइमैक्स ही होता है जब हमारा शो शुरू होता है 10:30 के आसपास, 10:40 आई थिंक, तब भी अगर ऑडियंस हमें देखने के लिए वेट कर रहे हैं, हमारे शो को इतना प्यार दे रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ और हम नहीं मांग सकते। कहीं ना कहीं जो सेकंड नंबर में जो शो है घूमे किसी के प्यार में, उसको बीट करने में आप लोग मतलब 0.1 का ये हफ्ते का रहा रेटिंग, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे लोग? और वो प्राइम टाइम में दिखाई देता है शो, और एक पॉइंट खाली मतलब आप समझ रहे हैं, एक पॉइंट है और वो प्राइम टाइम में दिखता है वो शो, क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कहती हूँ कि हमारे राइटर्स एंड डायरेक्टर्स एंड यू नो द टीम इज़ वर्किंग हार्ड, और टीम एफर्ट ही है जो एक नॉन प्राइम टाइम को भी इतना अच्छा हमें व्यू मिल रहा है, इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए? हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विल बी इन टॉप 3 एंड विल बी बीटिंग अप लाइक यू नो टॉप 2 शोज, और हम भी इस रेस में बहुत जल्दी आ जाएंगे। एंड आई थिंक वो कई सालों से है, 3-4 सालों से वो रेटिंग, ये इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे राइटर को, हमारे क्रिएटिव्स को, हमारे शो के प्रोड्यूसर्स को, जिन्होंने स्टोरी को इस तरह से बनाया है और हर बार एक नया मोड लाते कहानी में, कि हम भी कई बार इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। एंड ऑल्सो कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब इतना शो में काम कर रहे होते हो कि आपको लगता है कि यार क्या खुद का शो देखें, बट बिलीव मी हमारे शो में एवरी एक्टर, हम जाकर अपना परफॉर्मेंस भी देखें, हम शो भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। अभी फिलहाल जैसे चोडॉन का ट्रैक भी शुरू हो चुका है, तो वी वुड वॉन्ट टू सी, हमको इतना इंटरेस्टिंग लगता है हमारा शो, तो आई एम श्योर कि हमारे मेकर्स इतना एफर्ट ले रहे हैं हमारे शो के लिए, एंड इट इज़ डूइंग वंडर्स। क्या जैसे कि ये इस शो में है जनक और अनिरुद्ध है, और उस शो में ईशान और सवि है, तो क्या इनको बीट कर पाएगी जोड़ी वाइज, आप क्या सोचते हैं? देखिए मैं तो चाहती हूँ कि हमारा शो हर किसी को बीट करे, ऑब्वियसली हम अपने अपना बच्चा हो, हमारा शो है, हु डजंट वांट इट, बट ये ऑडियंस के हाथ पे है, हम सबको प्यार देना, और ये वही लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू।